जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भाव सर। तो ये साड़ी है, इसके ऊपर प्लास्टिक वर्क है दोस्तों, ये प्लास्टिक वर्क है, इसके ऊपर देख लीजिए। तो ये प्लास्टिक वर्क है, इसके ऊपर अगर इसको मशीन पे प्रेस करता हूँ तो जल जाएगा, प्लास्टिक वर्क डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए ये बेस्ट है दोस्तों, स्टीम प्रेस। तो इसको मैं स्टीम प्रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से साड़ी हमने यहाँ पे रख दी है, और साड़ी का जो अपोजिट साइड है वहां से हम प्रेस कर रहे हैं। फॉल प्रेस हो गया है दोस्तों। फोल्ड करना भी बहुत आसान है दोस्तों, और हमें प्रॉपर ड्राई क्लीनिंग की साड़ी को जैसे फोल्ड करता हूँ वैसे ही फोल्ड हमें करना है, जैसे रोल प्रेस की साड़ियों में करते हैं। ये दोनों छोर हमने जोड़ लिए हैं। इसके बाद में ये दो छोर ये साड़ी का 1/4 हिस्सा है दोस्तों। तो इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। ये साड़ी का हाफ पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे साड़ी का आधा हिस्सा है, यहाँ से साड़ी दो पार्ट में डिवाइड होती है दोस्तों, यहाँ पे, और ये हमारे दोनों छोर हैं। तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया दोनों छोर पर, और ये इसके ऊपर रख दिया। आप चाहो तो इससे बड़ा भी पेपर डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये कर दिया। तो इस फोल्ड से होता यह है दोस्तों कि साड़ी का जो अंदर का जो हिस्सा है ना, एक भी यहाँ पे बाहर नहीं दिखता है दोस्तों, देख लीजिए, और यहाँ पे भी नहीं। ओके, मतलब साड़ी के दोनों छोर अंदर छिप गए दोस्तों। तो बस, और इसको हम पैकिंग कैसे करते हैं तो वो भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं ये हो गई साड़ी आपकी फोल्ड। और इस प्लास्टिक बैग का साइज है 14x18 14x18 साइज है दोस्तों। और इस तरह से इसको चिपका देंगे दोस्तों। तो बस, ये वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।